हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज वगैरह आ रही? आप सभी का अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। काफी दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई, उसके लिए हमें बहुत खेद है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, तबीयत गड़बड़ थी, जिसकी वजह से। तो आइए जल्दी से आइए, काफ़ी दिन हो गए ओके मुलाकात हुए। तो काफ़ी बच्चों को अभी इन्फॉर्म भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। वी जस्ट वॉन्ट टू क्रैक BPSC विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप लोगों को पता होगा कि अभी शायद सितंबर में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो, तो इसलिए हम लोगों को तैयारी पूरी तरह से ज़बरदस्त करनी होगी। बहुत लापरवाही हो चुकी यहाँ पर। 67 BPSC के लिए जो है ना, प्लस पर टेस्ट सीरीज 2020 67 के लिए रखा गया है। आप ये डेट देख सकते हैं, और फुल लेंथ के लिए ना 21 अगस्त से आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, एकदम बढ़िया बेटा। और प्लस फीचर की अगर मैं बात करूँ तो आप कहीं से भी अनलिमिटेड एक्सेस टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। एग्जॉस्टिव कवरेज, कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशन, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है हमारे बिल्कुल आप देख सकते हैं। और बिहार पुलिस एग्जाम को भी ना आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के सानिध्य में रह करके उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो MCQ बैच भी 20 दिन का शुरू हो चुका है, जो कि 67th के लिए पूरी तरह से फोकस्ड है। और यहाँ पर एक नई बैच अभी स्टार्ट हुई है 11 तारीख से, तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, पता नहीं, हो सकता है बेटा। और ये सारे के सारे एजुकेटर जो इसको कवर करने वाले हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है और आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अनअकैडमी पर कैसे सब्सक्रिप्शन लें आप ये समझ सकते हैं। 10% अगर ऑफर आपको चाहिए तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसको बस यूज करिए और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फटाफट। हाँ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चलते हैं हम लोग। देखिए, लक्ष्य हमारा जो ये है, इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों को हम एक साथ लेकर के इसमें चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो लोग सभी आए हैं, कृपया वो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आगे वाले काम बहुत आसानी के साथ हो सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ये यहां से शुरू होता है आपका, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बना जाता है। एथिल अल्कोहल में कौन सी चीजें ऐसी मिला दी जाती हैं कि वो पीने के लायक नहीं रह जाती? यस, कम ऑन, गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अब कम ऑन चाइल्ड, डोंट बी डिले, जस्ट क्या चीजें ऐसी एल्कोहल में मिला एथिल, चूंकि आप जानते हैं मेथिल एल्कोहल का ही सेवन करने वाले लोग हैं, मतलब जो भी करता है, हम नहीं करते, मतलब जो भी करता होगा तो वो यही करता होगा, है ना। तो उसमें बताइए, बिल्कुल ना, मीथेनॉल और पेरिडिन, बिल्कुल सही, इसको मिला दिया जाता है तो बेटा ये क्या हो जाता है, मैथिलेटेड हो जाता है। और मैथिलेटेड क्या होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप आंख से अंधे हो सकते हैं, कान से बहरे हो सकते हैं, या और भी ढेर सारी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं लल्ला लल्ली। सो प्लीज, किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, वुड स्प्रिट, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथाइल ग्लाइकोल, किसको कहा जाता है वुड स्प्रिट? कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट। अच्छा, काफी जन पता नहीं कहां रह गए, हमें लग रहा है कि काफी दिनों बाद आए हैं। कम ऑन, बिल्कुल सही, मैथिल एल्कोहल को ही हम लोग कहते हैं, मिसलेनियस है ये टॉपिक है बेटा। पॉलीमर्स भी है इसमें, ऑर्गेनिक और पॉलीमर के साथ में ये सब मिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन तो है आपके सामने, देखो। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? बाय होम आर द क्वालिटी ऑफ द पेरेंट्स ट्रांसफर टू देयर चिल्ड्रेन, क्वालिटी और जेनेटिक कैरेक्टर्स, व्हाटएवर,
कैसे, किसके द्वारा? बिल्कुल सही, आप यहां पर क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख देंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इधर उधर है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। गुणसूत्रों के द्वारा ही सारा चीज होता है, बाई क्रोमोसोम। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? व्हाट हैपन व्हेन सुगर इज फर्मेंटेड? कम ऑन, जल्दी जल्दी करिए। बिल्कुल सही, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता ही है ना। नेक्स्ट, एक सामान्य शारीरिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य मतलब यहां ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो हमारे में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है ये पूछा जा रहा है। छियालीस होती, 46 सभी जानते हैं ना। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाए जाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का, किस फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है? बोलो, हाँ कम ऑन, बिल्कुल सही, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का मिश्रित रूप होता है जिसमें हवा मारने पर उसका कलर चेंज हो जाता है ना। अगर आप पीएर मतलब एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है लल्ला? कम ऑन, चलिए चलिए बताइए। ई इसमें सही है ना, ई इज द करेक्ट, पेयर यहां पर दे दिया, जबकि शुक्राणुओं में तो कुल 23 होते ही हैं भैया, शुक्राणुओं में कुल 23, ये शुक्राणु ये, और शुक्राणु हैप्लॉयड होती तो 23 तो होते ही हैं। अगर इसमें सिर्फ लिख देता, जिसमें क्या होता है 22 जो होते हैं, 22 सिर्फ 22 और एक 22+1 ऐसे होगा ना, जोड़े थोड़ी होते हैं स्पर्म में, बोलो, तो ऑटोसोम 22 है ना कि 22 जोड़े, ओके। अगर यहां पर पेयर ना लिखा होता, पेयर ना लिखा होता तो सी इज द करेक्ट, लेकिन यहां पर लिख दिया है बेटा पेयर, 22 जोड़े थोड़ी होंगे शुक्राणु में, तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है 22 ना कि 22 जोड़े, आप जानते हैं मेरे लाल मेरे कलेजे के टुकड़ों, तो ध्यान से, हाँ बहुत बारीकी, ओके। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कम ऑन, थोड़ा फास्ट करें हम लोग, बिल्कुल स्टेपीज है ना, स्टेपीज जो है हीमोफीलिया में क्या चीज होती है, इन हीमोफीलिया क्या प्रॉब्लम होती है? हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, व्हाट प्रॉब्लम? बिल्कुल, रक्त का थक्का नहीं बनेगा ना, ब्लड डज नॉट क्लॉट, गुड वेरी गुड,
जौ के अंकुरित बीजों के कुंडवन से शराब को क्या कहा जाता है, जो जौ से बनती है, बियर, वाइन, ओडका या रम? जौ के बीज, जो अंकुरित बीज होते हैं, है ना? हाँ, बोलो क्या होता है? रम, वाइन, ओडका, बियर होता बेटा, है ना? दिशवन, उसको हम बियर कहते हैं बेटा, वाइन नहीं होता। वाइन तो बनती है बेटा अंगूर से, नहीं? हाँ, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाल्टेज, जाता है? ग्लूकोज को माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज। कम ऑन माय चाइल्ड, एंड जस्ट लाइक एंड शेयर प्लीज। ओडका पोटैटो से बनता, वेरी गुड। जाइमेट से, है ना? नहीं, माल्टेज, माल्टेज तो बेटा माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, ये ग्लूकोज को बोला है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में जाइमेज कन्वर्ट करता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, हां 17 तारीख से है बेटा, बायोलॉजी, बायो फाउंडेशन, बायलिंगुअल। बिल्कुल आइसोप्रीन, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना कितना है? यहां पर क्या कह रहा है, वर्णांध पुरुष है, पुरुष वर्णांध है, और महिला कैसी है, महिला सामान्य है। ये डेली क्लास होती है बेटा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी नहीं हो पा रही थी ड्यू टू हेल्थ रीजन, और अभी ये कंटिन्यू रहेगी बराबर ये टाइम पे। बिल्कुल बेटा जीरो, मैंने आपको बताया था इसको, है ना? कोई वर्णांध, पुत्रों की बात कर रहा है ये, तो पुत्र तो कोई वर्णांध होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक्स पर होता है और पिता ही वर्णांध है। माता अगर वर्णांध होती तो दोनों में होता। नहीं समझ में आया? ये कह रहे हैं कि पिता, ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं, ठीक है? ये हैं, ये इन पर क्या है, अगर ये देखा जाए तो ये हीमोफिलिक है, क्या है, वर्णांध है, कलर ब्लाइंडनेस, और ये नॉर्मल है। तो जाहिर सी बात है, जब इनसे एक्स सी और वाई आएगा तो बेटा एक्स एक्स आप देख सकते हैं, इससे एक्स और इससे एक्स, तो जो लड़कियां होंगी, जो लड़की होगी, इसके बच्ची जो होगी वो तो क्या होगी, वो कैरियर होगी, लेकिन बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो एक्स वाई इस पर तो एकदम, तो यानी ये पुत्रों की ही तो बात कर रहा है ना मेरे लाल, तो लल्ला पुत्रों की बात है, तो पुत्र कह रहे क्या, यहां पर लिख दिया पुत्रों की, सन विल बी कलर ब्लाइंड, तो नहीं होगा ना। हां अगर फीमेल होता तो मान लीजिए फीमेल, लेकिन फीमेल पे याद रखना बेटा, फीमेल पे जब दोनों पर कलर ब्लाइंडनेस के जब जीन आएंगे तभी ये वर्णांध होगी, एक पे आने पर नहीं, क्योंकि इसमें डबल एक्स है। अगर मान लीजिए जैसे यही बात को अगर हम समझना चाहें लल्ला, तो यहां पर देखो मेरी बात समझो थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ये और यहां पर ये माता जी,
ये पिताजी, अगर ये एक्स वाई ये नॉर्मल हो और अगर ये वर्णांध हो, वर्णांध का मतलब दोनों पे होगा, वर्णांध का मतलब क्या होता है, दोनों पर अगर ये जीन होगा तभी जाकर के डिफेक्टेड होगा वो, तो जाहिर सी बात है इसमें देखो, इसमें जो स्पर्म बनेगा एक एक्स का स्पर्म बनेगा एक वाई का स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म ही तो होते हैं ना, और इसमें दो एग सेल बनेगा दो टाइप का एक्स सी और एक्स सी दोनों पर। तो अब आप देख सकते हैं बेटा जो इससे यहां के एक्स यहां से एक्स से मिलेगी और यहां से मिलेगी तो एक्स सी एक्स एक्स सी एक्स, इसका मतलब बच्चियां जो होंगी वो प्रभावित तो नहीं होंगी लेकिन कैरियर होंगी लल्ला, ये प्रभावित नहीं है, मतलब ये जो लड़कियां होंगी यानी जो फीमेल जो मतलब जो बच्ची पैदा होगी उसमें ये वर्णांध नहीं, ये वर्णांध है, वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस है ये, लेकिन यहां पर यानी माता कलर ब्लाइंडनेस है पिता कुछ नहीं है, तो बच्चियों में सारी बच्चियां कैरियर होंगी। लेकिन अगर यही दूसरी तरफ हम करें तो यहां आप देख सकते हैं लल्ला, क्योंकि मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स होता है, मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स वो भी डोमिनेंट होता है, तो जाहिर सी बात है लल्ला आप देख लो यानी ये जो बच्चे होंगे वो दोनों कलर ब्लाइंड होंगे, दोनों बच्चे क्या होंगे कलर ब्लाइंडनेस का यानी ये अफेक्टेड होंगे, बच्चियां क्या होंगी वाहक होंगी, वाहक यानी कैरियर, और ये क्या होंगे प्रभावित, आप देख सकते हैं ना। लेकिन अगर पिता हुआ तो बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बच्चियां कैरियर हो जाएंगी, गॉट इट, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, कहो लल्ला आगे बढ़े, गुड। नेक्स्ट, कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस कैंसर पेचिस, विच वन इज द, हां जेनेटिक डिजीज, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बिल्कुल सही, क्या बात बताइए आपने, हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया इज द जिसमें ब्लड, हाँ रॉयल डिजीज भी बोला जाता है आपको पता होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, हाँ बोलो किसका, हाँ बिल्कुल केवलार, हम लोग केवलार का यूज करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। मोलेसेस यानी सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल माना जाता है, बेस्ट रॉ मटेरियल, बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मटेरियल, ग्लिसरीन यूरिया एल्कोहल पैराफीन व्हाटएवर, किसके, कम ऑन, अब एक महीने तक कंटिन्यू यानी सितंबर जब तक नहीं हो रहा है यह हमारा लक्ष्य 67th ही चलेगा, और इसमें हम सब के लगभग लगभग जो है 40-40 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे, 40 क्वेश्चन एक से या 30-30 क्वेश्चन ऐसा हम करेंगे, 30 फिजिक्स होगा 30 केमिस्ट्री होगा और 40 जो होगा वो बायो होगा, ऐसे ही सवाल चलेंगे हमारे, ठीक है, यानी डेली हम लोगों का 100 टारगेट होगा कि 100 सवाल हम लोग करें, कितना 100 सवाल अगर हो जाएंगे तो समझ लो मजा आ जाएगा। टॉपिक वाइज कितनी बार हम लोगों ने कर लिया है बेटा, अब हम थोड़ा सा सोच रहे ना इसको शांत में, हां तो अल्कोहल के लिए ये बेस्ट होता है, यू आर गुड। एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल बेटा,
पारिस्थितिक तंत्र का भी, बिल्कुल सही आप करें, हम पारिस्थितिक तंत्र का भी डाल दिया करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, तो 10 क्वेश्चन हम ऐसे रखते हैं जिसमें एनवायरमेंट से हो जाएगा। ओके, सही करें, राहुल ने सही कहा कि सर एनवायरमेंट का भी अगर हो जाएगा तो ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे ना, 30-30 क्वेश्चन जो है, जैसे हम लोग इसमें लेंगे 30 क्वेश्चन फिजिक्स का हो जाएगा, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो जाएगा, 30 क्वेश्चन बायो का हो जाएगा, और 10 क्वेश्चन जो है हम इकोलॉजी का ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन हो जाएगा, और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे वो मात्र एक घंटे में करने हैं, 60, यानी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, नहीं तो हमें इसमें से फिर कम करने पड़ेंगे 10-10। अच्छा, बिल्कुल सही आपने इसमें बताया कि ये लेमिनेटेड जो पटलित होते हैं, ये बुलेट प्रूफ, हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की बात नहीं, यहां बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने की बात हो, अगर जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास की बात हो रही है यहां पर जो विंडो में लगाए जाते हैं। कौन सा 9 बजे वाला बेटा, शाम को? हाँ, जेनेटिक्स नियम में किसका अध्ययन है? मेंडल के नियम का, अनुवांशिकता और विचरण, डीएनए संरचना, जैव विकास। रात वाली नहीं बेटा, अब यही वाली इसी समय अभी हम लेंगे, रात को, चूंकि 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा वो। बिल्कुल सही, अनुवांशिकता और उसके विचरण की बात होती है ना, बिल्कुल। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है, यानी ये पूछा कि पेट्रोल मतलब कितने कार्बन का बना होता है, कौन से मेन संघटक होते हैं उसमें। बिल्कुल सही, ऑक्टेन का, इसलिए हम लोग ऑक्टेन नंबर भी यूज करते हैं, हेप्टेन और ऑक्टेन ये दोनों होते हैं उसमें। कौन सा ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? अब देखिए, फिजिक्स का सवाल हो गया, ये कहीं फिजिक्स का सवाल मिलेगा आपको, तो कहीं केमिस्ट्री का, तो कहीं बायो का, ये इस तरीके से जब आप करते जाएंगे तो आपके साइंस, तीनों साइंस एक साथ हाँ क्लियर होती जाएगी, और जहां पर भी आपको कोई भी डाउट है तो तुरंत आप पूछेंगे। हां बिल्कुल बेटा, हेप्टेन भी होता है ना, हाँ भाई, हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों मिलकर के तो पेट्रोल बनता है, जिस तरह से एलपीजी क्या होती है, एलपीजी बताओ। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, उसी तरह से पेट्रोल में ये होता है, इसी तरह से डीकेन और नोनेन किस में होता है, डीजल में, ऐसे होते हैं ना, बड़े बढ़ जाते हैं। पक्का इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री पर इनका चाल इतना पर सेकेंड होता है, सभी कथन सत्य हैं। हाँ, नारोलिट, तो आइसोब्यूटियन को हम प्रोपेन भी बोलते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि मैथिल प्रोपेन हो जाता है। हाँ, तो उसी तरह से वहां पर भी है ना, ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन। यस, दिस वन इज द करेक्ट, यही सत्य है। डी कैसे सत्य बेटा, क्या ध्रुवित किया जा सकता है, ध्वनि तरंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल है ना, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे तो बेटा ऑलरेडी क्या होती है, ध्रुवित होती हैं, उनमें ध्रुवण करने की क्या जरूरत है, बोलो। अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण होता है बेटा,
अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है, और साउंड जो होती है ये क्या होती है, ट्रांसवर्स नहीं लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ओके, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? हाँ बोलो, आपको बताना है कि जो डॉल्फिन है, बैट है, वो अपना जो भक्षण करने वाले जो जीव जंतुओं को कैसे पकड़ते हैं? बिल्कुल, प्रतिध्वनि के द्वारा उसका निर्धारण करते हैं। इसको हम लोग इको लोकेशन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इको लोकेशन भी कहा जाता है इसको, है ना। इको लोकेशन के थ्रू ही हम उसको क्या करते हैं, मतलब ये डॉल्फिन और चमगादड़ वगैरह ये ऐसे ही करते हैं इनका। प्रकाश का तो ध्रुवण होता है ना, ध्वनि का ध्रुवण तो होता ही नहीं, तो उसमें अंतर क्या है? प्रकाश को ध्रुवित किया जा, भाई प्रकाश का मतलब है प्रकाश जब चलती है तो हर संभव डायरेक्शन में उसके कणों का कंपन होता है मेरे लाल, देख रहे हो ना, हर डायरेक्शन में। और जब हम इसको टर्मिलिन डाल देते हैं या पोलराइजर, तो इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, अप डाउन ऐसे हो जाता है, जो अभी मल्टी डायरेक्शनल। लेकिन बेटा ध्वनि तरंगे तो हमेशा ऐसे चलती हैं, ऐसे ही चलती हैं, फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है, बस। तो ये तो ऑलरेडी ध्रुवित है, ये इसको क्या है, ये अध्रुवित है, हर डायरेक्शन में है, मल्टीपोलर है, इसमें मल्टीपोलरिटी है। हम इसको क्या करना चाहते हैं, डाइपोलर करना चाहते हैं, यानी पोलर करना चाहते हैं, पोलरिटी हो, इसलिए हम इसको पोलराइजेशन करते हैं। और जो खुद ही दो ही है तो मेरे लाल उसको क्या जरूरत है, राहुल मेरी बात समझ गए लल्ला। हां तो प्रकाश तो क्या है, बहुध्रुवित है, और इसको सिर्फ ध्रुवित करना है, एक ध्रुवित करना है, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती, जबकि ये तो ऐसे ही, गॉट इट। हां, किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता, केवलॉर, हां ग्लिप्टॉल, लैक्सॉन, किसका किया जाता है? बताओ लल्ला जल्दी से, बिल्कुल सही, केवलॉर और लेग्जॉन का ही हम लोग यूज करते हैं बुलेट प्रूफ बनाने के लिए, है ना। बाकी ये तो आप जानते हैं, ये दूसरा है, ये भी पॉलीमर क्या है, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर है, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है, अपसारी की बात कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा है लल्ला, ध्यान से समझ के बताइएगा, काफी कंफ्यूज हैं बच्चे इस सवाल को लेकर के, तो इस सवाल को कंफ्यूजन को दूर कर लो। बिल्कुल, जो क्या करता है बेटा, जो किरणों को फैलाता है, सो दिस वन इज द करेक्ट। हां, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक, किसका होता है, कम ऑन,
बिल्कुल, ये तो हो भी गया था, सवाल आया भी था, कोई बात नहीं। लेकिन आइसोप्रीन, ये तो वही है, दो बार आ गया। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो दोनों से बनता है बेटा, अपसारी से भी बनता है, अभिसारी से भी बनता है, तो हम इससे कैसे पता लगा लेंगे, दोनों से तो बन रहा है, वो तो डिसाइड नहीं कर पाएगा ना लल्ला राहुल। बिल्कुल, नायलॉन जो होता है बेटा ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सिंथेटिक है ना, बाकी और सब नेचुरल है। नहीं नहीं ई नहीं, ई नहीं हो सकता मेरे लाल, आप इस सवाल की बात कर रहे हैं ना। अरे भाई डाइवर्जिंग इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डाइवर्ट करा नहीं तो है तो ये कॉनकेव, भाई इसको डाइवर्जिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वे डाइवर्ट कर दे रहा है इसीलिए उसको डाइवर्जिंग बोला जा रहा है तो कॉनकेव ना। ये पूछ रहा अभिसारी लेंस वह होता है कौन जो फैलाता है, इससे इमेज इमेज उमेज से मतलब नहीं, ये इमेज उमेज बनाना जो है ना वो कॉनकेव लेंस है, मेरी बात समझ रहे हो, ये कॉनकेव लेंस की है, हम डाइवर्जिंग लेंस इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वो फैलाता है इसी कारण। ओके सो डोंट कंफ्यूज विद दिस, और इमेजिनरी इमेज जो है ना मतलब क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज जो है ना वो सिर्फ यही नहीं बनाता, वो भी वर्चुअल बनाता है, तो दिस इज नॉट हाँ डिटरमाइन व्हाट इट। तो नायलॉन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी सब ऊन भी देखो तो वो भी बहुलक है, रेशम चमड़ा ये सारे बहुलक हैं, नेचुरल। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, रेजोनेंस नहीं बेटा, यहां पर इको बोलते हैं हम इसको, हम इसको उड़ा ही दें पूरा। इको इको इज कॉज्ड बाय किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, गुड है ना, रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसके लिए कम से कम कितनी दूरी चाहिए रिफ्लेक्टर से इसको, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है इसको अपनी प्रतिध्वनि सुनना है तो ये इसको ये बोलेगा और बोल करके फिर से लौट के आए यहां तक जाना आना, अरे आना ये कम से कम कितना मीटर होना चाहिए बेटा, अप्रोक्स 17 मीटर, तभी जा करके इसको क्या होगा 16 मीटर से ज्यादा होना चाहिए बेटा, 17 मीटर अप्रोक्स 17 मीटर है ना। वायु में ध्वनि की चाल 232 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ये कह रहे हैं कि अगर हम ध्वनि मतलब दाब बढ़ा करके दोगुना कर दें तो ध्वनि की चाल क्या हो, बोलो। बताना थोड़ा, पक्का नहीं बदलेगी, मैंने आपको बताया था कि डज नॉट चेंज बिकॉज प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हां नहीं बदलेगी, गुड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होगी, कम ऑन माई चाइल्ड, चलिए बताइए। सॉलिड में होती है सबसे ज्यादा ध्वनि की, जबकि लाइट की इसकी जस्ट उल्टा है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है,
तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता, तापमान के घटने से घटता है। बोलो मेरे लालों, गुड, डी इज द करेक्ट, है ना, घटने पे घटता है। आप जानते हैं, नहीं नहीं नहीं, तापमान के बढ़ने से घटता नहीं। आप जानते हैं बेटा कि क्या होता है, अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है ना, तो जो ध्वनि की चाल होती है 0.61 मीटर पर सेकेंड जो होती है वो बढ़ जाती है ना, बढ़ता, बिल्कुल। आपने जब किया होगा तो आपको समझ में आया, आप प्रैक्टिकल किए होंगे 12वीं क्लास में, तो आपको पता चला होगा कि ये ऐसा बताया जाता है कि जब आप करते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर तब फिर तो प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर, लेकिन बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए हम प्रेशर को बहुत ज्यादा काउंट नहीं करते। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाँ, यूपीपीएससी का यह सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर ये देखें तो ये लिख रहे हैं ये टेफ्लॉन नहीं है, टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन है, ठीक है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बहुत है तेजी के साथ में, कौन सा सही होगा देख लो। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक, बिल्कुल बहुलक है, ये तो आप जानते ही हो लल्ला। ध्वनि की चाल काफी चीजों पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है, आर्द्रता पर डिपेंड करती है, तापमान पर डिपेंड करती है, इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ बेटा। हाँ, तो पहला वाला ही इसमें सही दिख रहा है, नहीं, दिस वन इज द करेक्ट, है ना, क्योंकि क्लोरोप्रीन जो है ये भी सिंथेटिक है, तो ये गलत हो गया, चार नंबर तो गलत हो गया। आप देखिए ये क्या बोल रहा है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन ना, आइसोप्रीन है ना, आपने तो खुद ही बताया था कि सर आइसोप्रीन जो है वो है उसका सही, तो ये तो गलत हो गया था, तो यानी तीन सही है, बिल्कुल टेफ्लॉन और डेक्रॉन बहुलक हैं, नियोप्रीन संश्लेषित, देखो यहां पर संश्लेषित बोल दिया है तो बिल्कुल संश्लेषित है, आइसोप्रीन होता संश्लेषित लिखता तो गलत हो जाता। पॉलीथीन पॉलीइथिलीन का बहुलक है, ये भी आप जानते हो, तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, टेफ्लॉन टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, टेफ्लॉन लिख देता है क्या बताएं हम इसको, यह टेफ्लॉन है बेटा, टेफ्लॉन, यस, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिन एथिलीन, गुड, एकदम सही आप कर, है ना, बिल्कुल। अरे भाई एथिलीन क्या था आप जानते हैं, एथिलीन सिंपल सा था कि यहां पर CH2 और CH2 ये अगर इसी का पॉली यानी एंड टाइम कर देते तो हम इसी को क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे पॉली इथीन, तो पॉलीथीन हो गया। लेकिन अगर ये सारे हाइड्रोजन को हम उड़ा दे किससे, अगर हम इसी को फ्लोरीन से उड़ा दें तो यही हो जाता है टेफ्लॉन पॉली टेट्रा, ये देखो पॉली टेट्रा हो गया, अब ये एन का मतलब पॉली, कई नंबर हो गए तो ये पॉली हो गया, अब इसी का ये बन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे टेफ्लॉन, है ना, नॉन स्टिकी
फ्राइंग पैन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा पक्षी था जिसमें दांत थे? भैया दांतों वाला, चोंच तो था, उसकी चोंच में भी दांत थे। किसको किसको नींद आ रही है? अच्छा, यानी जिसको समझ में ना आई तो भैया नींदवा आई, समझा था? नीलल्ला है लल्ली। आर्कियोप्टेरिक्स, आप जानते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों और किसके बीच की कड़ी है ये? हाँ, ये कड़ी है, लिंकेज है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या? रेप्टाइल, रेप्टाइल में दांत होते हैं ना, और दूसरा बर्ड्स, इसके बीच की कड़ी माना जाता आर्कियोप्टेरिक्स। हां, ठीक है, रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। हाँ, और आपको मैंने बताया था कि मेसोजोइक के लास्ट समय में ही आर्कियोप्टेरिक्स आ गया था। कब? जब डायनासोर फाइनल स्टेज में थे, यानी जाने वाले थे, तभी इसका क्या हो गया था? इवोल्यूशन, तभी ये आ गया था, इवॉल्व हो गया था। निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज की उड़ान भरना? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बताओ तनी। डी पक्का सही कर, अरे यार का सही कर रहे हो लल्ला। प्रतिध्वनि का कारण है नॉट रेजोनेंस। ये क्या रेजोनेंस रेजोनेंस लगा रखा है? यस यस यस, गुड। ध्वनि का परावर्तन, ये साउंड में इको पैदा करता है। क्यों भैया? है ना? हाँ हाँ, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार आए हुए सवाल भी हैं, और सारे नहीं हैं, कुछ इसमें नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। अरे अब जब बीपीएससी ही जब 100% रिपीटेड सवाल पूछती, तो हमको तो प्रैक्टिस उसी पर करना पड़ेगा ना मेरे लाल। नए सवाल तो सबके उड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, 300 से ज्यादा होते हैं इसमें, बच्चों में। ई नहीं लिखेंगे हम। कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सॉन। प्राकृतिक बहुलक की बात करें, हालांकि बहुलक तो आपके आपको सभी नजर आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए देखिए जो भी सवाल आए हुए हैं, वो सवाल अगर आपके गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जाम से बाहर हो रहे हो, कॉम्पिटिशन से बाहर हो रहे हो बेटा। इसलिए आने वाले सवाल तो आपके कभी नहीं गलत होने चाहिए, यह ध्यान रखना, क्योंकि उसको सारे लोग रट्टा मारे होंगे, तो वो तो आपको क्या करेगा, कंपटीशन में बना के रखेगा। और नए सवाल जिस पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जब आप पुराने सवालों को किए रहेंगे, माजे रहेंगे ना, तो अपने आप नया सवाल उसी से बन जाएगा। हाँ,
इसलिए हर सवालों पर आपको गौर करना है मेरे लाल। तो हियर इज द सिल्क। इसीलिए मैं इतनी बार रटवा देता हूं, आप उठा के पहली बार आप देख लीजिएगा, 67th में ही जो आए हुए सवाल थे आप उठा के देख लीजिएगा, मेरे प्रैक्टिस से और मेरे पढ़ाए हुए से थे या नहीं थे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए बेटा गैर सेल्युलोजी रेशे का उदाहरण कौन सा है, मतलब जिसमें सेल्युलोज ना हो, है ना, जिसमें सेल्युलोज ना हो। लल्ला कम ऑन माय चाइल्ड, बिल्कुल आएंगे बेटा, और आप मेहनत से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सारा आपको यहीं से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी, चाहे जो एग्जाम दीजिए। नायलॉन, क्योंकि आपको पता है रेयॉन भी तो बनाया लकड़ी से ही तो बनाया जाता है, हाँ आर्टिफिशियल तरीके से भले बनाया जाता है लेकिन लकड़ियों से ही तो बनाया जाता है बेटा, तो वो भी तो है वही, लेकिन नायलॉन अलग चीज हो गई। ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है, जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में, कहां पाई जाती है? ह्यूमरस, जूट भी तो बेटर नेचुरल है ना, एकलव्य जूट तो नेचुरल, यहां पर ये क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो मेरे लाल, कौन सा एक गैर सेल्युलोजी है, जूट भी क्या है, जूट भी तो पूरा सेल्युलोज ही है, जूट भी तो सेल्युलोज है ना, नेचुरल है, लिनेन भी तो वही है, कॉटन ही तो है लिनेन, अरे लिनेन का कपड़ा नहीं पहनते, कॉटन ही तो है, जहां जहां पर भी कॉटन आएगा या जूट आएगा वो सारे के सारे सेल्युलोज ही होंगे लल्ला। अरे भाई प्लांट क्या है, प्लांट तो सेल्युलोज है ना, अब उसी की खाल से बनाओगे तो सेल्युलोज ही तो रहेगा, हे भगवान, बिल्कुल ऊपरी भुजा जो होती बेटा वो इससे बनी होती है। मानव शरीर की किस अंग की सबसे लंबी होती, हड्डी सबसे लंबी होती, मेरुदंड, जांघ, रिब केज या भुजा? बिल्कुल बेटा थाई बोन, या इसी को हम फीमर रिब कहते हैं, नहीं अस्थियों एवं पेशियों को, यहां दोनों ध्यान से देखना, बोन टू मसल्स को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट, टेंडॉन्स, कार्टिलेज, उपास्थि है ये, कौन करता है बोलो, टेंडॉन करता है, गुड, टेंडॉन जो होता है ये अस्थियों को पेशियों, लिगामेंट तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है मेरे लाल, लिगामेंट क्या करता है, ये अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी अगर ये हड्डी, मान लो ये हड्डी, तो ये देखो ये हड्डी है ना, हड्डियों को अगर ये हड्डियों से जो ये जोड़ता है ये है लिगामेंट, लेकिन यहां पर अगर हम मांसपेशियों की बात कर दें, जैसे मान लीजिए ये मांसपेशी है आपकी, तो ये जो जोड़ रहा है ना बेटा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है लल्ला, ये अस्थि है और ये मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियों को जो जोड़ता है ये है आपका, इसको हम टेंडॉन बोलते हैं और इसको हम लोग जो है लिगामेंट बोलते हैं। तो बात क्लियर हो गई। कोई बात नहीं, इसीलिए भूल को तो दूर ही करना है ना। मानो कि पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है, फीट में पूछा ही तो कितनी फीट लंबी होती है, मीटर की बात नहीं किया है, किलोमीटर की बात नहीं किया है,
कोई बात नहीं, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल सही आपने कहा, 32 फीट होती है, याद रखना, इतनी है, काफी बड़ी है। नेक्स्ट, रेड लेड क्या है भाई? रेड लेड हम किसको बोलते हैं? प्लैबनम सल्फेट, प्लैबनिक ऑक्साइड, रेड लेड। कम ऑन माय चाइल्ड, लेड कार्बोनेट को PB3O4 को इसको बोलते हैं बेटा, PB3O4 को ही हम रेड लेड बोलते हैं। लेड ऑक्साइड तो सारे ही है, ये दोनों है। लिथार्ज कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? जिप्सम सीमेंट बनाते वक्त इसका यूज किया जाता है ताकि जमने की दर क्या हो जाए, स्लो हो जाए। नो तुक्का नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करके सोचो, तुक्के की आदत ना डालो बेटा, बहुत गंदी आदत होती है तुक्के की, तुक्का मारने की आदत सोचना कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। बिल्कुल, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या बाइहाइड्रेट भी बोला जाता है, इसी को हीट कर दिया जाता है तो निकलता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप जानते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, वेरी गुड, गुड। हेमी हाइड्रेट हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल, ए इज द करेक्ट, है ना, हम इससे कर सकते हैं इसको अलग प्रिज्म से। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, नहीं मेरे लाल, इसमें ई होगा, यहां पर कोई बच्चों के लिए स्पेशली नहीं लिखा गया है, तो पेप्सिन और रेनिन, अच्छा यहां पर ई लिख दिया है इसलिए आप लिख दी ई का, ये सी है मेरे लाल, ओहो सॉरी, दिस इज सी नॉट ई, हां रियल में दूध को पचाने वाला एंजाइम, ये दूध की प्रोटीन, यहां पर देखो प्रोटीन, प्रोटीन पाचक तो पेप्सिन ही है, बच्चों में रेनिन ना प्रोटीन के पाचन में सहायक कर सहायता करता है, ये नहीं पचाता है, रेनिन रियल में नहीं पचाता, रेनिन जो है वो पचाने में सहायक होता है मेरे लाल, ठीक से पढ़ो पहले इसको, ओके। मैंने आपको बताया था कि दूध जो होता है लिक्विड होता है, और लिक्विड अगर बच्चा पिएगा तो सीधे साए 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 निकल जाएगा,
इसलिए उसको सेमी सॉलिड बनाने के लिए रेनिन आता। अच्छा देखो, बच्चे जैसे ही दूध पीते हैं और तुरंत उल्टी करते हैं तो क्या निकलता है? दही निकलता है कि नहीं? आप तुरंत दूध पीजिए फिर उल्टी करेंगे, पूरा दूध ही निकलेगा, करके देख लीजिएगा। समझ में आया? हाँ, क्योंकि आप में हाँ पैराकैसिनेट, वेरी गुड, मैंने बताया था ना, याद है, गुड। तो इसलिए ये दोनों होंगे पचाने वाले एंजाइम। रियल पचाने वाला एंजाइम ये है, ओके मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, एक अम्ल है जो उत्पन्न होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल निकलता है भैया, बतावा तनी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गुड। तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन है एक एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या खनिज। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, गुड। अभी आपने देखा भी एंजाइम है ना, सी विटामिन है। वारे मेरे लालों, नवीन संजीव का हो रहा है भैया, ए लल्ला। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, बताओ तनी। पक्का? बिल्कुल सही, ये लेंस के पावर की है। आप बोलते हैं कितनी पावर का है, माइनस में इसका मतलब कॉनकेव होगा, और अगर प्लस में मोटा वाला है इसका मतलब कॉन्वेक्स होगा, है ना। एक निकट दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है, एक दूर दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है। जैसे हम लोगों में निकट दृष्टि दोष है तो हमारे में कॉनकेव, और जिसका दूर दृष्टि दोष होगा उसमें कॉन्वेक्स, जानते हो। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन। बिल्कुल नियोप्रीन, ये तो रबर है। कौन सा बहुलक नहीं है? घी, स्टार्च, प्रोटीन, रुई। इसमें कह रहे हैं कौन सा बहुलक नहीं है। टेफ्लॉन से नहीं बनता बेटा, वो बैकेलाइट है। इलेक्ट्रिक स्विचेज जो होती है ना, जैकी, क्या नाम है, जैकी, वो टेफ्लॉन से नहीं, वो बैकेलाइट होती है। इससे तो टेफ्लॉन से तो नॉन स्टिकी पैन वगैरह बनाई जाती, ओके।
हाँ घी है ना, घी कोई बहुलक नहीं है आप जानते हैं, क्योंकि घी में तो एक क्या होता है ग्लिसरॉल होता है, और तीन ही जो होते हैं क्या होते हैं फैटी एसिड, ये होता है आपका फैट या घी। लेकिन स्टार्च में तो ग्लूकोज के ढेर लगे होते हैं, प्रोटीन में अमीनो एसिड के ढेर लगे होते हैं, इसमें भी ग्लूकोज के ढेर लगे होते हैं, तो ये बहुलक नहीं है। कॉटन तो है ही है, मैंने कहा का कॉटन तो सेलुलोज है बेटा, सेलुलोज तो पॉलीमर ही है ना भाई, सेलुलोज तो मैंने बताया पॉलीमर है, किसका ग्लूकोज का, लीनियर पॉलीमर ऑफ, अगर 1600-1500 के लगभग ग्लूकोज अगर सीधी लाइन में क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाए तो वो ही संरचना कहलाती है सेलुलोज, और अगर शाखान्वित जुड़ जाते हैं तो वही कहलाती है स्टार्च, इसीलिए ये दोनों अलग अलग हैं। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, हाँ प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है, क्योंकि आप जानते हो 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, जबकि सेलुलोज और स्टार्च जो है होमोपॉलीमर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बना है। बिल्कुल, पावर उसकी क्या होती बेटा, घट जाती है, पावर तो घटी घटी गए हो, बट लेंस की जो फोकल लेंथ क्या है बढ़ गई हो। हाँ गॉट इट, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण कम विचलित होता है, मतलब कौन सा प्रकाश कौन सा रंग कम विचलित होता है, विच वन, कम विचलित कौन सा होता है, ललका वाला रंग है ना। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, कौन है ग्रीन कह रहा है, क्लब्य निशाना सही नहीं लगा रहे हो आजकल, सारे निशाने चूक रहे हैं लल्ला, बिल्कुल लाल, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड नवीन, लगे रहो ऐसा बिल्कुल मिलेगा बेटा, जो आपने ठान लिया वो होता है, ठानने पे कोई बड़ी चीज नहीं होती है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार से मदद मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी ठानेगा, हम तो बस यही मानते हैं जिसने ठान लिया तो समझ लो हो गया। नॉट डी, दिस वन इज द करेक्ट, जीवों में पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, हालांकि एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एडॉप्टेशन की बात है, कस्टमाइजेशन यहां पर लिख दिया है तो मैं इसको उड़ा देता हूं, एडॉप्टेशन लिख देता हूं, डोंट वरी माय चाइल्ड,
एडॉप्टेशन, है ना? अभिषेक, व्हाट आर यू डूइंग लल्ला? नॉट डू लाइक दिस. निम्न में किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? ईथेन. प्लास्टिक कौन सी गैस उत्पन्न करती है? जिसकी बनी होगी, जलाओगे तो वही गैस निकलेगी. है ना? पॉलीएथिलीन ही निकलेगी बेटा. लास्ट क्वेश्चन, ऐसे ही रिवीजन होता बेटा. हम प्रैक्टिस करते करते तो रिवीजन हो रहा है ना आपका. So this is the last question. Bulletproof वस्त्र की बात कर रहा है, वस्त्रों की बात कर रहा है. बिल्कुल पॉलीएमाइड का यूज करते हैं हम लोग. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ये कंटिन्यू होगी बेटा क्लास, ठीक है? ये कंटिन्यू होगी क्लास. शुरुआत करते हैं हम लोग कल. ओके, तो लगे रहो, जमे रहो और चक दे फतेह. थैंक यू. हाँ, समय यही रहेगा लगभग 10:05, 10 मिनट यही अराउंड. और सब्जेक्ट हमारा भी मिक्स रहेगा बेटा, मिक्स साइंस. हाँ, साइंस का पूरा लक्ष्य में आपको सारे मिक्स साइंस ही मिलेगा. ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. जाते वक्त लाइक और शेयर जरूर करें, यह आपका नैतिक दायित्व है. थैंक यू वेरी मच. क्या लैक्टोज एंजाइम की क्या बात कर रहे हो शुभांगी? लैक्टोज एंजाइम तो आपने दूध पिया है तो वो लैक्टोज को ब्रेक करेगा. लैक्टोज नहीं, लैक्टेज होता है. लैक्टोज एंजाइम नहीं, लैक्टेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज को तोड़ता है शुभांगी. हां ठीक है. और तो किसी का कोई सवाल नहीं? हाँ, लैक्टोज एंजाइम भी डाइजेशन का तो है, लेकिन इस कहां पर ऐसा है? कुछ था क्या सवाल? कुछ था क्या कहीं सवाल?
कहाँ था जी? अच्छा कोई बात, चलो फिर बात करते हम लोग। मिल्क को ब्रेक करेगा, बिल्कुल मिल्क के, मिल्क को ब्रेक नहीं करेगा। मिल्क देखिए, लैक्टोज जो होता है वो मिल्क के शुगर को करेगा, जो लैक्टोज है, और पेप्सिन जो है जो इसमें पाई जाती है जो कैजीन प्रोटीन, वो कैजीन को तोड़ेगा। इसी तरह से लाइपेज भी होगा जो कि इसमें पाई जाने वाली वसा को तोड़ेगा। तो दूध में तीनों चीजें हैं तो तीनों चीजों को तोड़ेगा, लेकिन अलग अलग एंजाइम तोड़ेंगे बेटा। जो शुगर है, कौन सी शुगर है? लैक्टोज, तो लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ेगा। प्रोटीन कौन सी है? पेप्सिन, तो पेप्सिन को कौन तोड़ेगा? प्रोटीन कौन सी है? कैजीन, कैजीन को कौन तोड़ेगा? पेप्सिन। ठीक है, तो इस तरीके से सब अलग अलग होंगे ना। ओके चलो ठीक है, थैंक यू।